हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम. यू आर वाचिंग जेई लाइव डेली अनअकैडमी जेई का इनिशिएटिव बच्चों, जहां पे हम ईएमआई पढ़ रहे हैं रेगुलरली. अगर आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो आपको मालूम है कि हमने ईएमआई इस चैप्टर में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू कवर एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशंस बच्चों, इन पे एलआर सर्किट्स पे और एलसी ऑसिलेशंस पे कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आज के सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूँ. इफ़ यू आर कमिंग टू दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों. इस तरह का क्वालिटी कॉन्टेंट जेई को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे डेली कवर करते हैं. आई एम जयंत नागदा, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन दिस चैनल. एंड मैंने IIT बॉम्बे से बीटेक करने के बाद करीब 10 साल बच्चों को पढ़ाया हुआ है. और बच्चों, आप अगर ये जेई लाइव डेली का एक्सपीरियंस आपका अगर अच्छा जा रहा है और अगर आप और ज़्यादा अच्छे से हमसे पढ़ना चाहते हो, आप प्लस प्लेटफॉर्म भी ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे इसी तरह के लाइव लेक्चर्स या उनकी रिकॉर्डिंग अगर आप मिस कर देते हो, अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो प्लेटफॉर्म को, यू कैन ऑलवेज वॉच दोज रिकॉर्डिंग्स और आप कवर अप कर लेते हो. जैसे काफ़ी बच्चों ने जुलाई में ज्वाइन किया है, लेकिन जून में जो टॉपिक्स चल रहे थे उनको वो 2 हफ्ते में करीब जल्दी से कवर अप करके, बैकलॉग जो है वो कवर अप करके वो आगे आ चुका है हमारे साथ, जो अभी लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ पे हैं. उसके अलावा प्लस प्लेटफॉर्म पे बच्चों क्विज भी होती है और रेगुलर एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है जिसके हर संडे टेस्ट होते हैं. तो बच्चों, अगर आप रेगुलरली टेस्ट देंगे तभी आप कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस तरह की प्रिपरेशन आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप रेगुलरली टाइम बाउंड मैनर में घड़ी चलती रहेगी और टेस्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने मेन और एडवांस एग्जाम में. और उसके अलावा आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती, वहाँ पे डाउट सेशंस हो रहे हैं जिसमें आप फोटो क्लिक करके आप लाइव सेशन में भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके भेजेंगे तो उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं आपके एजुकेटर्स आपको बता पाएंगे. तो इस तरह का अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है, आप इस लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि जो भी सब्सक्रिप्शन के प्लान से बच्चों, इतने भी ज़्यादा रेट्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्लान है. जैसे 12 मंथ वाला प्लान आपका जो है वो जेई लाइव कोड अगर आप यूज़ करोगे, कोड हमारी तरफ से हमको आपको दे रहे हैं, जेई लाइव कोड से आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड दैट विल बी 1800 पर मंथ, ₹60 पर डे पे आप जेई की तैयारी कर सकते हैं बच्चों इंडिया के टॉप 50 एजुकेटर्स से. और उसके अलावा एक 24 मंथ प्लान भी है, उसको भी उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. इफ यू आर प्लानिंग टू, इफ यू आर इन 11th और आप 2 साल की प्लानिंग कर रहे हैं. और उसके अलावा आप इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि रेगुलर जैसे आपके ऑफलाइन सेटअप में क्लासेस होती है, 11th 12th की बैचेस हम कर रहे हैं इवनिंग में 4 to 7:30, हम इंडिविजुअल कोर्सेज भी कर रहे हैं, यू कैन चेक दोज ऑल्सो आउट. एंड इफ यू आर नॉट हैविंग अ लैपटॉप तो भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप अनअकैडमी की एक लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करिए. काफ़ी हमारे बच्चे मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो बच्चों अगर आपकी एग्जाम ऑनलाइन हो गई है तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है. आप उस लर्निंग ऐप पे एक प्लस सेक्शन है, उसमें जाके देख सकते हैं क्या क्या अलग अलग प्लान्स हैं. तो आपको सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है 24 मंथ वाला प्लान, उसकी जो प्राइस आ जाएगी बच्चों वो इस कोड जेई लाइव कोड से आपको वो 1500 पर मंथ, मतलब ₹50 प्रतिदिन में आप जेई की तैयारी कर सकते हैं. और वो भी ऐसी वैसी नहीं, आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट. काफ़ी सारे सेशंस हम लोग करते हैं जो कि फ्री भी होते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो unacademy.com/plus पे जाके और फिर अपनी माइंड बना सकते हो कि आना है कि नहीं आना. ऑलराइट, तो ये सारी बातें तो आपको ज़्यादातर बच्चों को पता है, नए बच्चों के लिए स्पेशली मैं रिपीट करता हूँ. बच्चों अगर आपको मालूम हो कि हमने एक कॉन्सेप्ट किया है LC सर्किट का, है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट किया है RC सर्किट का. RC सर्किट क्या है? रेजिस्टेंस और आपके कैपेसिटेंस की एक सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था. और एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि ये जो पूरा मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एज इट इज़ रिपीट होंगे. तो उनमें से एक सबसे सिंपल सी एक चीज़ है जिसपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये मतलब सिंपल है, लेकिन वो ये कि अगर आपने 5-10 मिनट में यहाँ पे सीख लिया तो आपको कॉम्पिटिशन में मेन लेवल के क्वेश्चन आराम से बनेंगे. तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहो. ऑल्सो इफ यू सपोर्ट आवर मिशन बच्चों, इस वीडियो को अभी का अभी लिंक कॉपी करके शेयर करो. आप जहां पे भी प्रेजेंट है सोशल मीडिया पे, अगर फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, अगर आप इंस्टा पे हैं, आप कहीं पे भी, अगर व्हाट्सएप पे भी आप 2 बच्चों को शेयर करते हैं. हमारा मिशन है इंडिया को क्वालिटी एजुकेशन देना, वो भी इस तरह की एजुकेशन जिसमें वो जेई के एडवांस लेवल तक की तैयारी कर सके. तो बच्चों आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए और आपकी शेयरिंग के लिए लॉट ऑफ थैंक यू. एंड यू कम बैक टू दिस LR सर्किट अगर आपका सीरीज में है, ठीक है, और आपने अगर इसको
क्लोज कर दिया तो इस सिचुएशन में किस तरह का चार्ज और किस तरह का करंट इस सर्किट में आएगा। ये एक सर्किट है जिसमें बच्चों आप देख पा रहे हो कि बैटरी इस डायरेक्शन में, तो सपोज द करंट इन दिस एट अ मोमेंट टी आई है इस डायरेक्शन में, आई करंट है इस रेजिस्टेंस में, आई करंट है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे ही क्लोज किया उसके थोड़े टाइम बाद टी टाइम पे ये सिचुएशन है, और जो टी टाइम की सिचुएशन है बच्चों उसको आप किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, उसमें प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आपको किरचॉफ्स लॉ में आपने सीखा था मुझसे कि इस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा। सो दिस इज अ सिचुएशन जिसमें t इक्वल टू जीरो पे आपने की क्लोज कर दिया, की क्लोज करते से ही आपका इस सर्किट में करंट बढ़ेगा, है ना। आपका t इक्वल टू जीरो पे करंट करंट कैसे बढ़ने वाला है, इस सिचुएशन में क्या होने वाला है अल्टीमेटली, अगर अपन ऐसे सोचे इस पूरी सिचुएशन में क्या होने वाला है, तो आपने जैसे ही की को क्लोज किया ये सर्किट कंप्लीट हुआ, मतलब बैटरी से चार्ज टूट पड़े, है ना, इस पूरे सर्किट में इस रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए यहां से करंट बिल्डअप होगा। बट क्या वो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या वो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा? सो इनिशियली व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, जब शुरुआत में करंट आपका इंक्रीज करेगा तब डीआई बाई डीटी आपका हाई होगा, डीआई बाई डीटी पॉजिटिव भी होगा और बहुत हाई वैल्यू भी होगा, और डीआई बाई डीटी जितना ज्यादा होगा आपको मालूम है कि एल डीआई बाई डीटी भी आपका पॉजिटिव होगा। सो इफ दिस करंट इज इंक्रीजिंग, ये इंडक्टर क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, और लेंजेस लॉ से अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इक्विवेलेंट बैटरी कैसे दिखेगी, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द बैटरी whose EMF epsilon is given by this thing, okay, L di by dt, EMF का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको अभी दो दिन पहले ही क्लास लिया कि किस तरह से इंडक्टर बिहेव करता है, जब करंट बढ़ता है तो उसकी EMF ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में EMF ऐसे आएगी। तो इस पूरी चीज़ को आप एक इस तरह की बैटरी मान ले जिसका epsilon L di by dt है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर इस लूप में मैं घूम जाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दिया तो मैं क्या चीज़ें लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सपोज लूप में, यहाँ से यहाँ तक क्या ड्रॉप हो रहा है बच्चों, अगर आप इस एंड से इस एंड पे जाते हैं बैटरी की पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, पोटेंशियल गिर रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी इमेजिन करो, ये आपका हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये जो आपका इस तरह का बताने का तरीका, हायर से लोअर पोटेंशियल पे आप आ रहे हो, सीडी से नीचे आ रहे हो बेसिकली, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और ड्रॉप को अपन बच्चों पॉजिटिव लेते थे, ये मेरा कन्वेंशन था, मैंने आपको बताया था। सो आई थिंक वी कैन राइट नाउ दैट एल डी आई बाई डी टी ओके प्लस, आप अगर करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाते हैं तो भी ड्रॉप होता है और वो पॉजिटिव होता है, प्लस आई आर इज इक्वल टू व्हाट, आप यहां से यहां जा रहे हो, आप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हो तो ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ कांस्टेंट है, डीसी बैटरी है, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, आप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हो तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू जीरो। ये अपन ने पूरा एक लूप में घूम गए और उसी पॉइंट पे वापस आ गए हो, तो आपको जीरो से इक्वेट करना है, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा रहे हो, और इस सिचुएशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूं, तो ध्यान देना एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन माइनस आई आर, और ये पूरी चीज में अगर मैंने I को एक तरफ ले लिया, अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो बच्चों आपको क्या करना है, एक साइड में एक वेरिएबल रखना है, तो इस तरफ मैंने T रखा, इस तरफ मैंने I रखा, इस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट्स क्या रखेंगे, लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। T इक्वल टू जीरो पे बच्चों क्या आ गया, आपका T इक्वल टू जीरो पे सर्किट में करंट है ही नहीं, आपने एकदम से कनेक्ट किया है, T इक्वल टू जीरो पे करंट नहीं है, लेकिन बिल्डअप होगा धीरे धीरे। आप ये भी समझिए बच्चों, T इक्वल टू जीरो पे जैसे ही आपने इस की को प्रेस किया है, अगर करंट नहीं है सर्किट में, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, है ना, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये बहुत सिंपल और बहुत ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कई बार बच्चों को छका देता है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन आपको मैं बहुत प्यार से अच्छे से समझा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा 10 मिनट तक ध्यान से सुनेंगे, आपको पूरा पूरा चैप्टर का ये
पार्ट समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे t इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि करंट जीरो है वो जीरो है, तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है तो सारा का सारा पोटेंशियल आपका इंडक्टर के अक्रॉस हो रहा है ना, सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। एल di by dt इज वेरी हाई इनिशियली, di by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज्यादा है शुरू में, एकदम से आपने की क्लोज किया, बांध टूट पड़ा, यहां से चार्ज टूट पड़े, इस तरह की सिचुएशन है। सो di by dt t इक्वल टू जीरो पे, यहां पे कुछ बातें एक्स्ट्रा में लिख रहा हूं, t इक्वल टू जीरो पे आई जीरो है, मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस जीरो है, एंड आपका इंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन। ये कुछ बातें हैं आपको समझ में आ रही, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी आर है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी एल है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे फिर t इक्वल टू जीरो पर करंट जीरो है, तो t टाइम के बाद करंट कितना हो गया, लेट्स राइट दैट करंट का इक्वेशन, इंटीग्रेशन क्या आएगा इस पूरी सिचुएशन में, लॉग आ जाएगा। तो ln ऑफ एप्सिलॉन माइनस आई आर में अगर आप लिमिट्स रखेंगे बच्चों 0 to i, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि माइनस आई आर, आई का कोफिशियंट आपका माइनस आर है, तो कैन आई राइट -1/r, ये इंटीग्रेशन आपको 12th class में आप सीखते ही हो इस तरह से। तो यहाँ तक आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसमें अगर मैंने लिमिट्स रख दी और इसमें अगर मैंने लिमिट्स रख दी और इंटीग्रेट कर दिया, तो बच्चों इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या, यहाँ देखना ध्यान से, मैं इसको इस वाले पार्ट को अगले पेज पे लिख रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ln ऑफ एप्सिलॉन माइनस आई आर माइनस ln ऑफ, यहाँ पे आपका t इक्वल टू जीरो रखा, तो माइनस एप्सिलॉन है ना, ln ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू t बाय l, और इस r वाली टर्म को भी उधर फेंक देते हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी बाय एल, यहाँ तक ठीक है। तो इसको देखना, मैंने ln ऑफ a माइनस b ln एप्सिलॉन माइनस आई आर अपॉन एप्सिलॉन लिख दिया, और ये पूरी चीज़ थोड़ी सी आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, e टू द पावर समथिंग है ना, इस पूरी चीज़ को मैंने 1 - ir अपॉन एप्सिलॉन को मैंने क्या लिख दिया, e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर एल बाय आर, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये सारे डेरिवेशन आपको खुद से भी करने हैं, ठीक है, एक बार यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आपको ये घर जाके रिपीट भी करना है। तो इस पूरी चीज़ को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, इस पूरी चीज़ को आपने रीअरेंज अगर कर दिया तो आपका आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर 1 - e to the power - t अपॉन एल बाय आर। और ये अपन क्यों कर रहे हैं, ये अपन इस तरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करंट का वेरिएशन इन इन दिस काइंड ऑफ एल आर सर्किट, करंट का वेरिएशन, इनफैक्ट करंट का ग्रोथ, ये समझने की ज़रूरत है, ये आपके सिलेबस का बहुत अहम हिस्सा है और ये बहुत सिमिलर है आपके जो आर सी सर्किट के एक्सप्रेशन थे बच्चों, कैसे आर सी सर्किट में करंट वेरी करता है ना, कैसे करंट का ग्रोथ वहाँ पर होता है और वहाँ पर भी डिके होता है, ये अपन ने पढ़ा था, वैसी चीज़ है ये पूरी। तो ये थोड़ा सा आप जल्दी से समझने की कोशिश करें, आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है। और इस सिचुएशन में द वेरिएशन ऑफ करंट कैन बी रिटन एज आई नॉट 1 - e to the power - t बाय है ना, टी इंटू आर बाय एल, ओके। तो मैंने टी बाय टाओ उस फॉर्म में भी लिखा है, इस चीज़ को आप कई बुक्स में देखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e to the power - t by tau ऐसे भी लिखा है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। वहाँ पर टाओ क्या हो गया आपका, टाओ इज इक्वल टू एल बाय आर, बच्चों इस चीज़ को समझो, वहाँ पर आपका टाउ टाइम कांस्टेंट एक टर्म मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था जो कि आर इंटू सी होता था, यहाँ पे यही चीज़ क्या आ रही है, एल बाय आर, क्योंकि ये ई टू द पावर समथिंग है, क्योंकि ये ई टू द पावर समथिंग है, इस पूरी पावर के डायमेंशन जीरो होंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, मतलब कि टी डिवाइडेड बाय आपका टाउ, टाउ और टी के डायमेंशंस सेम होंगे, इसीलिए टाइम कांस्टेंट एक टर्म है वो यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे। और आपको आई नॉट की वैल्यू अपने डिराइव किया है, तो एप्सिलॉन बाय आर, एप्सिलॉन बीइंग द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की थोड़ी कोशिश करो, अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूँ है ना, बेस्ट तरीका है अगर यहाँ पे आप इसी एक्सप्रेशन में थोड़ी सी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे कि टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है भाई, t इक्वल टू जीरो पे करंट कितना आ रहा है, अगर यहाँ पे t इक्वल टू जीरो रख दूंगा, e टू द पावर जीरो 1 होता है और 1 - 1 यानी कि जीरो करंट आ गया आपका इनिशियली, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद या इनफैक्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम है ना, क्या होने वाला है, अगर आप e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा बच्चों, और आपका i इज इक्वल टू आई नॉट यानी कि एप्सिलॉन बाय आर आ जाएगा,
तो ये क्या कहना चाह रहे हैं अपन यहाँ पे कि बहुत लंबे समय के बाद इस सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट एक वैल्यू पे टेंड करेगा, दैट वैल्यू इज एप्सिलॉन बाय आर. मेक सेंस बच्चों? अगर आपका बहुत लंबे समय के बाद टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप देख पा रहे हैं कि करंट आई नॉट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब आपका डी आई बाई डी टी जीरो हो गया. उस केस में डी आई बाई डी टी जीरो है मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर हैज़ बिकम जीरो. पोटेंशियल इंडक्टर के अक्रॉस जीरो हो गया. इनिशियली सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल था, बाद में सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है. इंडक्टर के अक्रॉस जीरो हो गया, इसके अक्रॉस पूरा एप्सिलॉन, देखो इसके अक्रॉस है ना, ये कॉन्स्टेंट हो गया. एंड द एंटायर पोटेंशियल ड्रॉप इज नाउ अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो वो आई इंटू आर मैं ऐसे लिख सकता हूँ. और आई की वैल्यू उस पॉइंट पे आई नॉट है, तो आप आई नॉट की वैल्यू भी क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन बाय आर. वहाँ से देखिए तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा. एंटायर पोटेंशियल ड्रॉप इज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. और अगर ये हो गया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इन बिटवीन क्या हो रहा है, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आप एक टाइम कांस्टेंट पे भी कितना आपका करंट बन रहा है वो भी निकाल के देखिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे भी अपन एक टाइम कांस्टेंट यानी कि टी इक्वल टू टाउ, इस केस में टाइम कांस्टेंट क्या है बच्चों, एल बाय आर. तो उस पॉइंट पे कितना आपका करंट बन रहा है इस सिचुएशन में आप देखो. आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन. ई टू द पावर माइनस वन का मतलब क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस वन इज 0.37. ओके, इस बात का ख्याल रखें, ई टू द पावर माइनस वन इज 0.37. तो ये एक क्वेश्चन आप एक्चुअली करो, इस क्वेश्चन से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये ग्रोथ अगर करंट का हो रहा है इस सिचुएशन में. बाय द वे एल आर सर्किट में ग्रोथ हो रहा है करंट का, क्योंकि देखो आप शुरू में जीरो था और लास्ट में एप्सिलॉन बाय आर है. तो इस सिचुएशन में आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताओ. समझ आ गया क्वेश्चन? और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ग्रोथ ऑफ द करंट इन एल आर सर्किट इज इक्वल टू, ओके, एक टाइम कांस्टेंट पे आपने देखा आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना. तो एक टाइम कांस्टेंट में मतलब टी इज इक्वल टू एल बाय आर यहाँ पे लिखा है, तो वो वन टाइम कांस्टेंट होता है, ये बात आपको पता होगी अगर आपने खुद डिराइव किया ये चीज़. और ये अगर आप इसमें रख दोगे तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन. तो ई टू द पावर माइनस वन वाली जो चीज़ है बच्चों वो वन माइनस वन बाय ई, मतलब आपको मैंने बोला है कि ये चीज़ आपकी 0.37 होती है ना. इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.37, 0.36 समथिंग समथिंग, बट इसको आप 0.37 ले लो, यानी कि दिस इज द 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. कैन आई से दिस इज 0.63% ऑफ आई नॉट, है ना, 0.63 टाइम्स आई नॉट मतलब 63% ऑफ द मैक्सिमम इज द राइट आंसर. आप में से जिन बच्चों ने बी लिखा है बहुत सही. और आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रही है बच्चों, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस तरह की सिचुएशन में आपकी ग्राफ कैसे बनेगी, है ना. अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये भी समझ में आ गया कि एक टाइम कॉन्स्टेंट पे 63% है, टी इक्वल टू जीरो पे आपका करंट जीरो है, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपका एक आई नॉट वैल्यू को टेंड कर रहा है, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग करंट इज इंक्रीजिंग. जैसे जैसे बच्चों करंट इंक्रीज कर रहा है, इस इंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, आप ये बात समझ पा रहे हैं. बट मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया, और डी फाई बाई डी टी यानी कि एप्सिलॉन आपका जीरो हो गया. इंड्यूस जो ईएमएफ बन रहा है इंडक्टर का जो है ना, एक रेजिस्टिव जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि वो बहुत समय बाद जीरो हो जाएगी और करंट कांस्टेंट हो जाएगा. और इस तरह का ग्राफ अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है, और ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये भी बात मैं बता दूँ, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम में जो करंट अपना आया है इसको स्टेडी स्टेट करंट भी बोलते हैं. स्टेडी स्टेट करंट मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस इज हैपनिंग, स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया अपना सिचुएशन, करंट कांस्टेंट हो गया है. तो इस तरह का ग्राफ आपको इस तरह से बनाना चाहिए. टी इक्वल टू टाउ, एक टाइम कांस्टेंट पे 63% करंट की ग्रोथ हो चुकी है बच्चों. जितना करंट अचीव करना था आई नॉट, उसका 63% अगर ग्रो हो चुका है, तो आप एक टाइम कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. सुनिए यहाँ पे, टाइम आफ्टर विच द ग्रोथ
प्रोसेस कंप्लीट बाय 63%, वो टाइम जिसके बाद आपको ग्रोथ प्रोसेस 63% हो जाएगा। बच्चों इस चैनल पे जो हम आपको चीज़ें दे रहे हैं, ओके, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है ज़रूर लाइक करना और हमारे लिए आप इन वीडियोज़ को शेयर भी करना ताकि किसी एक नीडी बच्चे को पहुँच जाए। यहाँ पे मुझे एक बेस्ट बात ये लगती है कि आपको पढ़ाते वक्त कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता, एकदम पिन पॉइंटेड जो चीज़ मुझे बतानी है वो उस चीज़ पे मैं आपको फोकस करवाता हूँ और धीरे धीरे अपन इसी तरह से जेई की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करके करते रहेंगे बच्चों। तो इवन लाइक 5 महीने लग रहा है कि यार 5 ही महीने बच्चे, बच्चों बट 5 महीने में बहुत कुछ पॉसिबल है, 5 महीनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर ये थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो ये 5 महीनों में भी इतना कुछ पढ़ लेंगे कि काफ़ी अच्छे से आपका मेन क्या एडवांस भी क्लियर हो सकता है। सो कीप कमिंग रेगुलरली ऑन दिस चैनल, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो स्पेशली आप इस चैनल पे अब रेगुलरली आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बता दूं कि अगर किसी सिचुएशन में, ये तो समझ में आ गया कि 63% हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट में, और क्या है कि अगर स्मॉल वैल्यू होगी, अगर किसी सिचुएशन में आपका एल बाय आर, टाओ इज इक्वल टू एल बाय आर, अगर आपका स्मॉल है, स्मॉल कैसे हो सकता है, या तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो या फिर इंडक्टेंस बहुत कम हो, उन दोनों ही सिचुएशन में आपको बेसिकली कम टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कम टाइम लगेगा। सो द ग्रोथ ऑफ करंट विल बी मोर, ग्रोथ ऑफ करंट विल बी मोर इफ़ टाओ इज लेस। इस तरह की कंसेप्चुअल चीज़ें आपको कॉम्पिटिशन में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि स्मॉल टाओ के लिए आपका करंट जल्दी से पिकअप करेगा, जल्दी राइज होगा और उस सिचुएशन में आप जल्दी से, मतलब इस तरह का ग्राफ, ये वाली स्टेट जल्दी आ जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड अगर मैं आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए, समझ रहे हो, तो आप क्या आंसर देंगे, जल्दी से इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। आइडियल कॉइल है, कुछ वैल्यूज दे दिए, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर मैंने दे दी तो आपकी क्या आंसर आएगी, ये तो बहुत आसान है। इस तरह के आपके AIEEE एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे तो अभी मेंस में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और आप एक बार इसको ट्राई करें एंड आई विल गेट बैक टू यू इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स इनफ होता है, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपका 10 सेकेंड का टाइम आई थिंक इनफ है। एंड अगर आपको इस सिचुएशन में आंसर आ रहा है ए, देन यूर करेक्ट बच्चों, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सिंपल है, अभी जस्ट अपन ने किया कि अगर आपका 2 सेकेंड्स के बाद पूछा है, लेकिन अपने को मालूम है इस सिचुएशन में आप एल बाय आर लगाओगे तो वो कितना आ रहा है, अगर आप एल बाय आर लगाओगे तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, ये आ ही रहा है। तो यानी कि एक टाइम कांस्टेंट पे आपका करंट फ्लोइंग कितना हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e^-t/tau वाली चीज़ को आप क्या लिख पाएंगे, I0 1 - e^-1, लेकिन आई नॉट इस केस में क्या है, एप्सिलॉन बाय आर, यानी कि वो भी 1 है, तो ये सभी ने निकाला कि नहीं, तो उतनी फास्ट आपको कैलकुलेशन बच्चों करनी पड़ेगी। ये मैं आपको बोलता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1 - e^-1, ये आंसर हुआ, ये आपको 2007 में आया था। तो इसी तरह के एक दो क्वेश्चन जल्दी से लगाते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है जो यहाँ पे चल रहा है। और इस चैनल पे अगर आपको पहली बार आके अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, ओके। एंड अ कॉइल हैविंग दिस इंडक्टेंस, तो आपको T1 T2 में रेशियो पूछा है, देखो T1 T2 क्या है, जल्दी से एक बार ट्राई करके निकालो क्या आंसर आ रही है आपकी, राइट और यहाँ देखना, अगर ये कॉइल है और इस सिचुएशन में T1 T2 क्या लिख सकते हैं, तो अगर मेरे को बोल दिया 90% T1 में हो रहा है और आप सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, आई विल बी डूइंग दिस ऑन माय ओन एंड दोनों आंसर मैच कर लेंगे, इनफैक्ट आप मेरे से पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी खुशी होगी। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ माइंड टू बीट मी इन माई ऑल इंडिया रैंक, एंड 90% अगर आपका करंट हो गया है तो 0.9 I0 हो गया है बेसिकली, है ना, और वो कितने टाइम में हुआ है, वो आपका माइनस T1 by tau जो भी वैल्यू है उसमें हो गया है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है देखना, यहाँ से आपका I0 कैंसिल हो जाता है एंड 1 - 0.9 e^-t1 by tau, e वाली टर्म को इधर ले आया मैं, और T1 by tau की वैल्यू कितनी आ रही है, ln ऑफ यहाँ पे 0.1 आएगा, लेकिन माइनस को अगर मैं उधर ले जाऊँगा तो वो ln of 0.1 to the power -1, क्या मैं ऐसे लिख दूँ इसको, ln of 0.1 to the power -1। एंड आपको अगर समझ में आ ही रहा है तो यहाँ से आप T1 लिख पा रहे हैं, देखना ln of 10, है ना, tau times ln of 10,
तो टाओ टाइम्स ln 10 एक ही इक्वेशन आ गई मेरे पास। अगर इसी तरीके में सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनाऊं जिसमें आपका 99% टाइम हो चुका है बच्चों, 99% टाइम हो चुका है, तो T2 कितना होगा, टाओ ln है ना 0.01, इस तरह की फॉर्म आ जाएगी आपकी 0.01। इस तरह की फॉर्म अगर आ रही है तो उस सिचुएशन में आपका टाओ ln इस तरह आप लिख पाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे, T2 by T1 अगर आप कंपेयर करेंगे, दैट विल बी हाउ मच। अच्छा, T1 by T2 and T2 by T1, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कई बार बोला है क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा है, क्योंकि एक रेशियो दूसरा रेशियो आप यू कैन वेरी इजीली मार्क बी, ठीक है, लेकिन T1 by T2 पूछा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें यहाँ पे। हाँ, माइनस भी आता है और उस वजह से वो ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से अगर आपको ए आंसर आ रहा है तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ए आंसर इसका करेक्ट है, वेरी नाइस। और अगर आपको एक और क्वेश्चन इस तरह का देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। तो कॉइल की इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दे दी है एंड कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ वोल्टेज 2V, देन द करंट रीचेज हाफ ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू। तो स्टडी स्टेट वैल्यू मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, I = I0, जब आपका इन्फिनिटी टाइम पे I0 करंट आ जाता है तो उसको स्टडी स्टेट बोलते हैं, मतलब वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कांस्टेंट है और चेंज नहीं हो रही, तो वहाँ पे करंट अगर I0 हो गया है बच्चों तो आपको ये बताना है कि कितने टाइम में आधा, इसका आधा कितने टाइम में पहुँचता है। ये कुछ वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन है तो इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। एंड इफ़ यूर Wondering what is the value of ln 2, तो आप 0.69 ले सकते हो बच्चों, ओके, उसको भी याद रखो। वैसे JEE वाले हमेशा आपको ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देते हैं तो आप 0.69 यूज़ कर लीजिए एंड आई थिंक इसका आंसर भी आपका आई गया होगा। मैं अभी देखूंगा कॉमेंट्स में, I = I0 1 - e - t / tau है ना, पर ये चीज़ हो जानी चाहिए आपकी 0.5 I0। तो ये सिचुएशन में आपको टाइम निकालना है बच्चों, टाउ की टर्म्स में एक बार निकाल लो और ये देखना क्या देता है आपको। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे e - t / tau = 0.5 है ना, या फिर आपका e - t / tau को मैं आपको 2 लिख सकता हूँ और ये t = tau ln 2, तो tau ln 2 मतलब L/R × 0.69 करिए। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करिए बच्चों, इस क्वेश्चन में 300 mH एंड रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है, सो आप लोग इससे कैलकुलेशन से क्या आंसर आएगा एक अंदाज़ा लेके चलेंगे, अपने को पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको कई बार बोला है कि इस तरह के क्वेश्चंस में स्पेशली आप क्या लगा सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन, 7 × 3 कितना होता है, 21/2 कितना होता है, मतलब 1 का एक फैक्टर आएगा, यानी कि ए और डी हो सकता है क्या, तो डी इज 0.15, काफ़ी फार है अपने अप्रॉक्सीमेशन से, तो आई थिंक ए विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल्सो आई कैन आंसर। तो इस तरह के फंडे, इस तरह के ट्रिक्स मैं आपको बता ही रहा हूँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर, आप पूरा कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं एंड आर दे वेरी डिफिकल्ट, नो नॉट एट ऑल। अगर आप छोड़े से 10-15 मिनट इस चैनल पर आके कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज़ पे आता हूँ मैं, जहाँ पे करंट अगर डी के होता है LR सर्किट में तो क्या इक्वेशन होती है, तो किस तरह का आपका वेरिएशन होता है। ध्यान देना, अगर आपको R और L को मैंने इस तरह से सीरीज में कंबाइन कर दिया, RL सर्किट हो गया अपना, है ना, और अगर मैंने इनिशियली ये मेक श्योर किया कि इस सर्किट में कुछ तो करंट है ना, T = 0 पे अपन ने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और इस सर्किट में स्टडी स्टेट था, इस सर्किट में आपका स्टडी स्टेट था, I = I0 = क्या होता है, εr करंट था, फिर T = 0 पे ये जो क्विक है, ये जो की है इसको आपने स्विच कर दिया, ये जो की है उसको शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में ये आपका सर्किट बन गया इफेक्टिवली, ये आपका सर्किट मतलब बैटरी को बाईपास कर दिया आपने, बैटरी को आपने सर्किट से निकाल दिया। तो T = 0 पे याद रखना करंट I0 है, और कैसे करंट का वेरिएशन होने वाला है बाद की सिचुएशन में, तो उसके लिए अपन अभी इसको एनालाइज करते हैं। बच्चों ध्यान देना, अगर किसी भी टाइम पे किसी भी मोमेंट पे इस रेजिस्टेंस में आई करंट है और आपको पता है कि T = 0 पे I0 था, और क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस है मतलब कि ये आपका करंट घटने वाला है, टाइम के साथ ये करंट डिक्रीज हो रहा है, इस बात पे गौर करें, तो ये टाइम के साथ करंट जो है घटने वाला है
और उसकी वजह से आपका di by dt एक नेगेटिव टर्म है, यस और नो? di by dt आपका एक नेगेटिव टर्म है, और ये इंडक्टर जिसमें से करंट जो है कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये किस तरह की बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा? सो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट काइंड ऑफ बैटरी? अगर आप लोग परसों एक लेक्चर मैंने लिया था जहाँ पे इंडक्टर होता क्या है वो बताया था मैंने, तो आपने अगर वो लेक्चर देखा है तो आपको इस तरह की इंडक्टर को किस तरह की बैटरी में कन्वर्ट करना है मैंने बताया था। अगर ये घट रहा है बच्चों, करंट डिक्रीज हो रहा है, उस केस में ये करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरह की पोलैरिटी होगी इस इंडक्टर पे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मैं लूप लॉ पे भी आ जाता हूँ। अगर मैं इसमें इस डायरेक्शन में लूप में घूम जाता हूँ तो यहाँ से यहाँ पे अपन अगर आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे आपका पोटेंशियल का गेन हो रहा है बच्चों। तो ये इसको एक बार मैं एप्सिलॉन एल बोल देता हूँ, और यहाँ से मैंने लूप में मूव करना चालू किया तो यहाँ से यहाँ आपका गेन मतलब माइनस एप्सिलॉन एल प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के साथ साथ जा रहे हैं तो ड्रॉप, और प्लस को अपन ड्रॉप को पॉजिटिव से और इक्वल टू जीरो उसी पॉइंट पे वापस आ गए। ये इक्वेशन समझ में आ रही सबको? वाई लिखो कमेंट्स में, सब कुछ समझ में आ रहा है तो ओके। और एप्सिलॉन एल आपका कितना होगा? तो एप्सिलॉन एल क्या आपका डीआई बाई डीटी हो गया, एल डीआई बाई डीटी होगा। बट याद रखो बच्चों, अपन ईएमएफ को पॉजिटिव ले रहे हैं और आपका एप्सिलॉन एल जो कि आप लिखते हो एल डीआई बाई डीटी वो नेगेटिव हो जाएगा अगर मैं एज इट इज इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, एल डी आई बाई डी टी एकदम बारीक बारीक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कई बार उनको आप ऊपर ऊपर से स्किप कर देते हो। और एल डी आई बाई डी टी आपका अगर मैं ये लिखता हूँ तो मैंने इस चीज़ को नेगेटिव मान लिया है, क्योंकि डी आई बाई डी टी आपका नेगेटिव है। बट डी आई बाई डी टी अगर आपको पता है एप्सिलॉन आप अपनी कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव ले रहे हो, टू कीप दिस साइड पॉजिटिव, टू कीप आर एच एस पॉजिटिव, आपको एक माइनस साइन लगानी पड़ेगी क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। एल तो पॉजिटिव होता ही है, और इस पूरी चीज़ को पॉजिटिव रखने के लिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। और ये आपका किरचॉफ्स लूप लॉ है, तो ऊपर से अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीक चीज़ें सीखोगे मज़ा आएगा। ध्यान देना यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, तो मैं इस पूरी चीज़ को लिख पाऊँगा आई आर इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और ये पूरी चीज़ को अगर मैं यहीं पर डी आई डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल डी टी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस आर बाय एल डी टी अगर ऐसे लिख देता हूँ तो ये एक इक्वेशन बन गई, तैयार हो गई आपकी इंटीग्रेशन के लिए। और इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों विथ प्रॉपर लिमिट्स, तो टी इक्वल टू जीरो पे आपकी क्या करंट है सर्किट में, टी इक्वल टू जीरो पे याद करो आई नॉट करंट है, और टी टाइम के बाद में करंट कम हो जाएगा। आपको ये बात तो पता ही है रेजिस्टेंस के कारण बच्चों सर्किट में करंट कम हो रहा है, सो दिस इज अ केस ऑफ डी के ऑफ द करंट, करंट घटने वाला है। बट कैसे घटने वाला है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे आप एल एन ऑफ आई बाय आई नॉट डायरेक्टली लिख दूँ, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल टी। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से ई टू द पावर समथिंग करके मैं एक फॉर्म लिख पाऊंगा, और वो आपकी फॉर्म क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। ये वाली पूरी चीज़ आपको समझ में आ रही, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं कि आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल बाय आर। तो एल बाय आर वाली चीज़ फिर से आ रही है, मतलब आप उसको टाइम कांस्टेंट माइनस टी बाय टाउ ऐसे लिख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे खुद से, आपके बोर्ड में भी आपको हेल्प करेगा, इस तरह के डेरिवेशंस बच्चों आपको आपके बोर्ड में भी हेल्प करते हैं, आपको मालूम है। और टाइम कांस्टेंट वही वाली चीज़, एल आर सर्किट में हमेशा टाइम कांस्टेंट क्या होती है, ये होती है। तो करंट की वेरिएशन कैसी है, देखो आप एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस समथिंग है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, है ना। एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते किस तरह से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर मैंने अलग अलग वैल्यूज ले ली, t इक्वल टू जीरो पे करंट क्या आया बाबा, t इक्वल टू जीरो रखिए करंट क्या आया, i इक्वल टू आई नॉट, i इक्वल टू आई नॉट इनिशियली करंट था, फिर t इक्वल टू टाओ एक टाइम कांस्टेंट पे कितना करंट आता है वो भी देख लेते हैं। तो मैंने अगर इसको रख दिया आपका आई नॉट ई टू द पावर माइनस वन, बट मैंने आपको बोल रखा ई टू द पावर माइनस वन को आप 0.37 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो, तो ये 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इनिशियली थी टी इक्वल टू जीरो पे थी आई नॉट, और उसका 37% एक टाइम कांस्टेंट में, मतलब
63% घट चुका है करंट, है ना, ऑलरेडी एक टाइम कांस्टेंट में, और इन्फिनिटी पे आते आते ऑफ कोर्स आपका करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब जीरो आ जाएगा। इन्फिनिटी पे आपका करंट जीरो हो गया मतलब आपका सर्किट में से करंट चला गया, अल्टीमेटली बैटरी हटा दिया आपने तो अल्टीमेटली चला ही जाएगा, बट कैसे गया, एक्सपोनेंशियल वेरी हुआ। तो आपको इसका अगर मैं ग्राफ बनाने को कहूँ, क्या आप बना पाएंगे, क्या आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके भी, बच्चों आप कई बार क्वेश्चंस कर सकते हो, वापस जल्दी से लाइव आ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, बट आप इसका ग्राफ बनाइए और इस सिचुएशन में आपका ग्राफ क्या ऐसे आ रहा है, करंट जो है टाइम के साथ घट रहा है बच्चों, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे आपकी करंट आई नॉट थी, और जैसे मैंने बोला कि एक टाइम कांस्टेंट पे आपकी करस्पॉन्डिंग करंट कितनी हो जानी चाहिए, एक टाइम कांस्टेंट पे 0.37 टाइम्स आपकी करंट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अपन ने इस तरह के आरसी सर्किट के भी फॉर्मूले डिराइव किए हैं, शुरू से स्क्रैच से ग्राफ बनाए हैं। आपको ये पूरी एक्टिविटी आज जो मैं कर रहा हूँ, घर पे 10 बजे के बाद आप 7, 8, 9 तीनों लेक्चर देखेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद इन सभी के जो मेन मेन पॉइंट्स है उनको आप नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। अभी जैसे लाइव सेशन चल रहा है उसमें आप अभी मत लिखो तो चलेगा, समझो पहले, लेकिन उस चीज़ को खुद से रिपीट करो। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप, हम नोट्स देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के रिपीट कर सकते हो वो सारी चीज़। ये आपको हेल्प करता है इस तरह से कॉम्पिटिशन में। तो ये इंडक्टर में जैसे करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा है, और इंडक्टर में आपको पता है करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि आपका उसके अक्रॉस ईएमएफ भी डिक्रीज हो रहा है। आपका जो उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहा था ईएमएफ की टर्म्स में, वो भी डिक्रीज हो रहा है बच्चों। तो ये एक टाइम कांस्टेंट में 0.37 हो गया है, और आप टाइम कांस्टेंट को ऐसे भी समझ सकते हो, टाइम आफ्टर विच द डीके प्रोसेस हैज कंप्लीटेड बाय 63%। डीके तो हो रहा है लेकिन डीके आपका 63% कंप्लीट हो चुका है, आपका आई नॉट से 63% लॉस हो चुका है अभी तक, है ना, करंट का, एंड फर्दर 37% भी लूज हो जाएगा बाकी के टाइम में। तो एक टाइम कांस्टेंट में ही मैक्सिमम आपका डीके हो जाता है या मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है, ये अपन ने आज सीखा और ये फॉर्मूले आप सीख ही रहे हो। तो बच्चों अगर ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो तो एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, वो आपको कितना समझ में आ रहा है। ये 2006 का जेई का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से ट्राई करो क्या आता है आंसर। तो ए और बी पॉइंट्स को आपने शॉर्ट कर दिया है, समझ रहे हो, ए और बी पॉइंट्स को आपने शॉर्ट कर दिया है, तो क्या आंसर आ गई आपकी। ठीक है, एलआर सर्किट है, आपको सारी वैल्यूज दे दी है, तो ये सारी वैल्यूज को आप यूज कर लेंगे, बट आफ्टर 1 मिली सेकेंड के बाद, तो ये इसमें स्टेडी स्टेट था ऑलरेडी जो करंट है, है ना, लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब स्टेडी स्टेट ऑलरेडी इसमें आई नॉट था, टी इक्वल टू जीरो पे आई नॉट था, और उसके बाद से ये घटना चालू होगा। तो 1 मिली सेकेंड, पहली बात तो आप इसका टाइम कांस्टेंट एल बाय आर देखो कितना आ रहा है, एल बाय आर आप देख पा रहे हो 1 मिली सेकेंड ही आ रहा है बच्चों। यहाँ पे हेनरी बाय ओम है ना, हेनरी बाय ओम सेकेंड आपकी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टाओ और आपके टी के सेम डायमेंशन से, एज मैंने बताया पहले भी। तो 1 मिली सेकेंड मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद आपको पता ही है कि करंट कितना हो जाना चाहिए, आपके इनिशियल का कितना बताया मैंने, 37 टाइम्स है ना, 0.37 टाइम्स इनिशियल कितना था भाई, एप्सिलॉन बाय आर था, तो एप्सिलॉन और आर भी 100 दोनों मतलब 0.37, यानी कि 1/E आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, जेई में आपका जनरली वैल्यू ये इस तरह की, ई में भी। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए अगर आपका आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये सही आपने कर दिया, तो बहुत बढ़िया बच्चों। और इस तरह के एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते चलो, है ना, या फिर ये वाला क्वेश्चन एल सी ऑसिलेशन, जहाँ पे आपने इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट किया है बच्चों, इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, इनिशियली इस कैपेसिटर पे सपोज प्लस क्यू नॉट चार्ज है ना, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट हो गई, तो आपने अगर इस की को क्लोज कर दिया, टी इक्वल टू जीरो पे आपने की को क्लोज कर दिया, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ से जो चार्जेज है वो फ्लो होंगे इस सर्किट में, कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, यहाँ से चार्जेस फ्लो होना चालू होंगे, और वो चार्जेस फ्लो होंगे मतलब कि इस इंडक्टर में करंट आएगा, और अगर करंट आएगा और वो करंट बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, है ना, तो यहाँ के इंडक्टर पे डी आई बाई डी टी एल डी आई बाई डी टी भी होगा। सो इफ़ द करंट इज इंक्रीजिंग,
अगर मैं ये आपसे अभी पूछूं करंट इंक्रीज कर रहा है तो इस इंडक्टर का किस तरह का बैटरी से इक्वालेंट में मान सकता हूं, करंट को ये अपोज करेगा, करंट बढ़ रहा है बच्चों, है ना। शुरुआत में आपका ये जब जैसे आपने की को क्लोज किया यहां से करंट बढ़ते बढ़ते इनिशियली तो जीरो था, t इक्वल टू जीरो पे आपका करंट जीरो है, बट अभी बढ़ने वाला है तो वो di बाय dt पॉजिटिव है, मतलब कि ये उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो दिस विल बी अ बैटरी लाइक दिस, करंट आपका ऐसे जा रहा है पर इस तरह की बैटरी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे करंट अगर ऐसे है तो आप इसमें लूप लॉ लगा दो फिर से। अगर आप इसमें लूप लॉ लगा रहे हो तो देखना ध्यान से, मैं इस तरह के लूप में घूम रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे कैपेसिटर के अगर जाता हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लूप लॉ में, तो जो यहाँ से यहाँ पे आप जा रहे हो तो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप हो जाता है। इस बात का भी जिन बच्चों को नहीं पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बच्चे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये चीज़ आप टैटू बनवा लो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप आ रहे हैं तो फिर ड्रॉप कितना हो रहा है, तो कैन आई राइट क्यू बाय सी। सपोज किसी भी मोमेंट पे इस पे चार्ज क्यू है और टाइम के साथ वो चार्ज कम हो रहा है, आपको क्यू नॉट इनिशियल दिया था बट क्यू टाइम हो गया, है ना। टी इक्वल टू टी पे ये फोटो बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ पे आप क्यू बाय सी प्लस, आप इधर से इधर आ रहे हो बच्चों, यहाँ से यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे आ रहे हो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो। एक तो मैं ये लिख सकता हूँ इक्वेशन, बच्चों यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, मैं वही किरचॉफ्स लॉ लगा रहा हूँ लेकिन मेरे पास क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ से देखना q डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये कई बार आपको इस सिचुएशन में ऐसे भी मैं बता सकता हूँ कि इन दोनों के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस की पोटेंशियल, ये आपकी इंडक्टर के अक्रॉस की पोटेंशियल VL, है ना, ये किसी भी मोमेंट पे सेम होगी क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो VC इज इक्वल टू VL, इसी इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा VC इक्वल टू VL, वो भी एक चीज़ है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एज आई सेड दिस इज देयर, पर अपने को क्या चाहिए, अपने को सपोज वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर विद टाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं करंट पे थोड़ी देर बाद आऊँगा, सपोज चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे वेरी कर रहा है, सो क्यू ऑन द कैपेसिटर इज वेरिंग लाइक दिस, क्यू इज इक्वल टू वॉट, है ना, यहाँ से देखना आप एल सी इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। एल सी इंटू डी आई बाई डी टी वाली चीज़ ठीक है, लेकिन आई और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, अगर मैं आपको पूछता हूँ इस सिचुएशन में, यहाँ पे जो चार्ज है क्यू और यहाँ पे जो करंट है किसी भी मोमेंट पे आई, उनमें क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, कैन आई राइट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और अपने पास ये एक रिलेशन आई गया है, तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे बच्चों, क्यू इज इक्वल टू आपका एल सी डी आई बाई डी टी। पर यहाँ पे बच्चों एक कैच है, कई बार मैं आपसे ही पूछूंगा और अगर आप गलत आंसर देंगे और सोच के नहीं देंगे तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी, फिर यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुई तो वो आपके ऊपर है, मैंने कई बार बोल रखा है आपको, एल है ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आप जनरली बोल सकते हो जब चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू इज द चार्ज फ्लोइंग, बट इस सिचुएशन में क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो कि टाइम के साथ घट रहा है, ये बात का आपको ध्यान होना चाहिए, विशेषतः मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स से स्पेशली तो बहुत ध्यान रखना है कि क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर दैट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी आपकी टर्म नेगेटिव होगी, डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव है, मैंने जो करंट माना है वो इस सेंस में पॉजिटिव है, तो ये राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यह एक माइनस साइन जरूर रखूंगा, इन प्लस माइनस से बहुत सारी गलती हो जाती है। तो क्यू रिमेंबर इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी टाइम, इस वजह से आप ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप माइनस साइन साथ में रख देते हैं, और यहाँ पे ध्यान देना अगर आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये कर देते हैं तो इसमें सब्सिट्यूट करने पे क्या आ जाएगा, तो वही चीज़ सही है मेरे को, एल सी ठीक है पर डी आई बाई डी टी को मैंने माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिखा, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखना डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एल सी इंटू क्यू, तो ये मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ को कंपेयर करने का मौका मिले, कंपेयर दिस विथ एन इक्वेशन यू हैव सीन बिफोर दैट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन कहीं पे देखी आपने, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सॉरी इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। आपने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है बच्चों, तो एस एच एम की इक्वेशन है उससे इसको अगर आप कंपेयर कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि पहली बात तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, पहली बात आप अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो क्यू जो है आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के पार्टिकल की तरह ही, जिस तरह उसका पोजीशन चेंज होता था, एक्सचेंज होता था, क्यू भी वैसे ही चेंज होगा, और किस फ्रीक्वेंसी से, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा, ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वहाँ पे एस एच एम करते हुए पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता था ये, यहाँ पे ये चार्ज के है ना चेंज होने का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये किस टाइप का मोशन होने वाला है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान जरूर देना। कैन आई राइट क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इनिशियली था आपका सम फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ओमेगा क्या है, ओमेगा ये मैंने लिखा, और आपका क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्यू नॉट क्या था, इनिशियल चार्ज। तो ये इस तरह का मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है कि ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर चेंज होगा साइनोसोइडली विथ टाइम, द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इनफैक्ट टी इक्वल टू जीरो पे अपने को पता है क्योंकि क्यू का वैल्यू क्यू नॉट है, तो t इक्वल टू जीरो पे अगर q का वैल्यू q नॉट आना चाहिए तो यहाँ पे रखो आपको phi का वैल्यू भी मिल जाएगा, phi का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सो यर phi शुड बी इक्वल टू है ना ये q नॉट आना चाहिए, मतलब कि phi आपका pi बाई टू आना चाहिए। तो अगर आपका pi बाई टू आएगा ये पूरी चीज़, ये q इज इक्वल टू q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अच्छा साइन ऑफ समथिंग प्लस पाई बाई टू ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है, तो इसी चीज़ को आप कैसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा है ना, तो कॉस ओमेगा टी ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को, और कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, तो कॉस का फंक्शन का ग्राफ किसको नहीं पता है, वो आप ग्राफ भी बनाइए, हाउ द चार्ज इज वेरिंग विथ टाइम, यहाँ पे टाइम के साथ वेरिएशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन द कैपेसिटर है क्यू, और कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे क्यू नॉट है बच्चों है ना, ये एक पॉइंट पे इनफैक्ट टी बाय फोर पे आपका जीरो हो जाएगा, और देखो किसी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, ये इनिशियली क्यू नॉट से जीरो हुआ ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी जीरो होना पड़ेगा क्योंकि आपका वी सी जीरो है तो वी एल भी जीरो है, किसी भी मोमेंट पे एल सी ऑसिलेशन में वी सी और वी एल दोनों सेम होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव क्यू नॉट भी आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव क्यू नॉट भी आ जाएगा, तो पॉजिटिव प्लेट पे यहाँ से चार्ज यहाँ से यहाँ पे चला गया पॉजिटिव प्लस क्यू, और इस वाली पे क्या चार्ज आ गया जीरो के बाद माइनस क्यू नॉट, ये इस तरह का मोशन हो रहा है बच्चों। फिर से ये जो चार्ज है जीरो होके प्लस क्यू नॉट आएगा, यानी कि ये जो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन है, आपका कैपेसिटेंस पे चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहा है, इस तरह का मोशन है बच्चों। और आप इस केस में टी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी को क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे को एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड टू पाई बाय ओमेगा लिख सकता हूँ, और 2 पाई बाय ओमेगा मतलब आप इस केस में 2 पाई अंडर रूट एल सी टाइम पीरियड, ये जो टी बने यहाँ पे बनाया ये उतना 2 पाई अंडर रूट एल सी, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन में। इनफैक्ट अगर आप इस सिचुएशन को इमेजिन करना चाहते हैं, मैंने जैसे बोला इनिशियली यहाँ पे प्लस क्यू नॉट था, बट क्या होगा धीरे धीरे इस पे जो चार्ज है वो कम होगा ठीक है, और इस बैटरी के थ्रू जो है चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है देख रहे हो, और वो यहाँ पे है ना जीरो जीरो हो गया बीच में, और वो पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव ऊपर वाली प्लेट पे आ गया, फिर से क्या होगा थोड़ी देर बाद यहाँ से आपका चार्ज फ्लो होके ठीक है इस वाली प्लेट पे आ जाएगा, बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब न्यूट्रल हो जाएगा प्लेट, और उसके बाद से फिर से जो इनिशियल वाली अरेंजमेंट है, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आपकी चार्ज है, ये अगर आपकी चार्ज है तो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, कैन आई राइट करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, कैन आई राइट दैट यस और नो, हाँ सो नो यू नो दैट देर इज अ माइनस साइन ओवर हियर नाउ, तो अगर माइनस साइन समझ में आ रहा है बच्चों तो यहाँ पे आप क्या लिख पाएंगे Q नॉट ओमेगा, अच्छा कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन ओमेगा टी इस फॉर्म में मेरा करंट आ रहा है, बट ध्यान देना करंट इस पूरी चीज़ को मैंने आई नॉट लिख दिया, तो करंट भी आपका साइन फंक्शन आ रहा है, करंट भी आपका एक साइनोसोइडल वेरिएशन ही आएगा, बट इस केस में कैसा आएगा t इक्वल टू जीरो पे करंट क्या था भाई सर्किट में, जैसे की को मैंने प्लग किया जीरो था, और t बाई टू पे क्या आ जाएगा
तो इस तरह का आपका ग्राफ आएगा बच्चों, टी बाई टू, टी टी का वैल्यू ध्यान में रखो, टी का वैल्यू टू पाई बाय ओमेगा, मतलब टू पाई अंडर रूट एल सी उस फ्रीक्वेंसी से, है ना, उस टाइम पीरियड से, या फ्रीक्वेंसी भी कई बार इसमें पूछ लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी वन बाई टी, मतलब कि वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी। ये फॉर्मूले खुद आप बना पाएंगे चुटकियों में, जब ये पूरी चीज़ आप ग्राफ बनाना ये सब, है ना, करेंगे अगर आप 10 बजे के बाद ऐसा ही सेट, तो वो करते रहना बच्चों, थोड़े बहुत अपनी समझ के लिए रिपीट करना ज़रूरी है, नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ अपने दिमाग में रखिए, इंटैक्ट दिमाग आपका ज़्यादा पावरफुल है एक नोटबुक से, तो आप अपनी ये सारी चीज़ें एक बार फिर से खुद से रिपीट करेंगे एक नोटबुक में लिख के, ओके, दैट इज़ नॉट योर नोट्स, दैट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस। एंड इस सिचुएशन में ध्यान दो, आई नॉट की वैल्यू भी मैंने क्या लिखी है, मैंने Q नॉट ओमेगा को I नॉट से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे हो ये रहा है कि आपका करंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, और इनिशियली आपका Q नॉट चार्ज था कैपेसिटर पे, तो I नॉट की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम जो करंट बनेगा इस सर्किट में, वो Q नॉट ओमेगा होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखें, इनको रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है बस, क्योंकि आपने एक दो बार अगर खुद डिराइव किया है तो ध्यान में रखना है। तो करंट कैसे वेरी हो रहा है, करंट आपका इस तरह से साइनोसॉइडली वेरी हो रहा है, इस सिचुएशन में आपको करंट भी पूछ सकते हैं। और टाइम पीरियड ऑफ एलसी ऑसिलेशन, इसको मैं एलसी ऑसिलेशन क्यों बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड होगा उसका एक, है ना, हमेशा इस वाले पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव, फिर थोड़ी देर बाद इस पे पॉजिटिव, फिर इस पे पॉजिटिव, इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करो। करंट की डायरेक्शन भी एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, क्योंकि आपका साइनोसॉइडल वेरिएशन है करंट का, है ना, किस फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे ये ऑसिलेशन हो रही है, ओमेगा इज वन बाय अंडर रूट एल सी, ये अपन ने डिराइव किया है, क्या टाइम पीरियड से वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, और आपका कितना करंट है और कितना इनिशियल चार्ज था, ये सारी फॉर्म्स आपको समझ में आ रही है, राइट, यस। तो लाइक दबाओ बच्चों और शेयर करो वीडियो को दूसरे बच्चों तक, ये मेहनत हमारी पहुंचाओ। यहाँ पे एक छोटी सी और बात है जो आपको कल मैंने पढ़ाई थी बच्चों, एनर्जी इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर आपका किसी भी मोमेंट पे कितना है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये अपन ने कल डिराइव किया था। तो हाफ एल आई स्क्वायर में अगर मैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रख देता हूँ, तो किसी भी मोमेंट पे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर क्या हो जाएगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये आप फॉर्म ध्यान में रखें कि कैसे आपका करंट पोटेंशियल, ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर कैसे आपका इस तरह से, और यू सी क्या है आपका, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर किसी भी मोमेंट पे क्या है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी होता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, तो किसी भी मोमेंट पे चार्ज कितना है, तो क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन टू सी, तो ये दोनों आपकी फॉर्म्स हैं। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ किसी भी मोमेंट पे, टोटल आपकी पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम क्या है, यू एल प्लस यू सी, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट कितना है, तो वो अगर मैं लगाता हूँ तो आपको ध्यान हो, हाफ एल आई नॉट को अपन ने क्यू नॉट ओमेगा बोला है, आई नॉट को मैंने क्यू नॉट ओमेगा लिख दिया, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। पर आपको पता है कि Q नॉट ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू स्पेशली, ओमेगा स्क्वायर इज़ 1 बाय एल सी, तो एल ओमेगा स्क्वायर को आप 1 बाय सी रख सकते हैं बच्चों, और एल ओमेगा स्क्वायर को 1 बाय सी रखूँगा तो ये भी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी और क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, है ना, ये चीज़ आपकी कॉमन आ जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी मोमेंट पे, ये किसी भी मोमेंट के लिए निकाला मैंने, जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी, जो इनिशियल कैपेसिटर पे चार्ज था उसकी जो एनर्जी थी उसके इक्वल है बच्चों। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, एनर्जी का वेरिएशन ड्यूरिंग द एलसी ऑसिलेशन, कैपेसिटर में फील्ड बनेगा, फील्ड की डायरेक्शन भी देखो चेंज हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में आपके चार्जेस हैं, कभी यहाँ पे पॉजिटिव है, कभी यहाँ पे पॉजिटिव है, उसी तरह इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, बट आपकी ये दोनों जो चेंज हो रही है आपकी इनिशियल और फाइनल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी चेंज हो रही है, बट दोनों की जो सम है वो मैंने बता दिया,
तो ये आपकी कांस्टेंट रहेगी और इंडिविजुअल जो एनर्जीज हैं स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर उनके आपको फॉर्मूले रटने नहीं है बच्चों। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको शो करें कैसे आते हैं, आपको बिल्कुल इनको नहीं रटना है। अगर आपने खुद एक बार डिराइव किया इनको तो आप फिर इनको हमेशा याद रखेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे साथ साथ, तो आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। और ये जो सिचुएशन है मैंने आपको बोल रखा है, दिस इज सिमिलर टू योर SHM। तो SHM का बेस्ट एग्जांपल आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो 11th में वो क्या है, आपका सिंपल पेंडुलम। तो ये सिचुएशन को आप इससे कंपेयर कर सकते हो बिल्कुल। एक पॉइंट बीच में जब आएगा, जब आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता है, उसमें आप समझ सकते हो कैपेसिटर और इंडक्टर का एनर्जी इक्वल हो रहा है। अदरवाइज इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये इधर से चार्ज फेंक रहा है इधर जा रहा है अक्यूमुलेट हो रहा है, इधर से वापस चार्ज आएगा इधर, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी बनती है LC ऑसिलेशन। और ये सारी टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज दिस, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, इनिशियल जो आपका चार्ज था और उसकी वजह से जो एनर्जी था वो कांस्टेंट हो जाता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स है जो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जो आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस है, देखो सर्किट में अपन ने रेजिस्टेंस नहीं ली L और C, तो रेजिस्टेंस नहीं लिया है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कंडक्टर आपका बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस हो। तो रेजिस्टेंस अगर है तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, द लॉस ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू हैपन, एनर्जी थोड़ा कम होता रहेगा, डैम्पिंग होता रहेगा और फाइनली चार्ज और करंट इस सर्किट से लॉस्ट हो जाते हैं बच्चों, जीरो हो जाता है बोथ चार्ज एंड करंट एक रियलिस्टिक सिचुएशन में। बट अपन इमेजिन कर रहे हैं आइडियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल केस में देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मतलब किसी भी मोमेंट पे दोनों का एनर्जी कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स एंड वो एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ऑल्सो किसी भी पॉइंट पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल के इक्वल है, ये बात समझ में आ रही, क्योंकि अपन ने देखा दोनों पैरेलल में है, मतलब उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट है। और ऑसिलेशन के दौरान आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये तो मैंने कर दिया, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और इंडक्टर आपका कांस्टेंट रहता है, ये भी पॉइंट कवर हो गया। और ये एक 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 बात है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपका चार्ज चेंज होने की फ्रीक्वेंसी, तो आप इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, हाउ द चार्ज इज चेंजिंग विद टाइम फ्रीक्वेंसी निकालो, या हाउ करंट इज चेंजिंग विद टाइम फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। बट आपको एनर्जी के भी चेंज होने की क्या फ्रीक्वेंसी, इस तरह का मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट्स में लिख के आप आंसर कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, LCR सर्किट में अगर आपने, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ये एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2011 JEE का क्वेश्चन है, फुली चार्ज कैपेसिटर इनिशियल चार्ज Q0 है कनेक्टेड, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करो, क्या आंसर आता है कमेंट्स में लिखो। तो द टाइम एट विच आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, ओके, तो यू वॉन्ट अ टाइम फॉर विच UL एंड UC इज सेम, तो उसके लिए हाफ LI स्क्वायर जो कि I0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा sin स्क्वायर ओमेगा t है, एंड दिस इज Q0 स्क्वायर अपॉन 2C cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे है ना LI0 स्क्वायर और Q2/C ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली tan स्क्वायर ओमेगा t 1 आना चाहिए, और वो कब आएगा, जब आपका ओमेगा टी पाई बाय 4 होगा। तो ओमेगा टी पाई बाय 4 या टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अंडर रूट ऑफ है ना 1/√LC, तो ये आपका पाई बाय 4 वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं, 10 सेकेंड के क्वेश्चन से बच्चों, इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ आज के सेशन में, आप इस तरह के क्वेश्चंस बना पाओगे अब, क्योंकि आपको देखो JEE मेन एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई जरूर करना, डोंट लुक एट द आंसर फर्स्ट है ना, आप इनफैक्ट निकालिए पहले और फिर आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ। तो आपको अगर इन सेशंस से फ़ायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है बच्चों, हमारे इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करिए बाय लाइक
लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट। इस चीज़ को शेयर करेंगे आप किसी एक नीडी चाइल्ड तक पहुंचे, ये हमारा विजन है, ये हमारा सोच है। तो आप अगर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वरना आपको है ना पता नहीं चलेगा कि किस तरह के इवेंट्स हम करते रहते हैं। ऑल्सो जस्ट बिफोर एनी इवेंट, कोई भी लेक्चर या क्विज जब हम कभी भी कर सकते हैं, इन पूरे थ्योरी सेशंस के बाद मैं क्विज भी लेता हूँ हफ्ते में, तो आप उनके लिए नोटिफिकेशन बेल जो साइड में दिख रहा है उसको भी दबा दें, ताकि आपको पहले से नोटिफाई हो जाएगा कि अच्छा हाँ आपको क्विज होने वाली, आप पहले से रेडी हो जाएंगे पेन और पेपर के साथ। तो अनअकैडमी के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू बी एंगेज्ड विद अस, जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप पे आप आके है ना हमसे बात भी कर पाएंगे। तो ये tinyurl.com/jeelivechat आपको ब्राउजर में एंटर करना है, और उसके अलावा आप प्लस पे भी आ सकते हैं। अगर आप प्लस पे आने का सोच रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द जेई लाइव कोड विच गिव्स यू 10% ऑफ। सो आई विल सी यू ऑल इन अनदर क्विज सेशन नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय एवरीवन।